तो तुमने कभी ये सुना है कि एक मूवी ने अपने बजट से 10,000 गुना कम कमाए हैं? तो मैं लग रहा होगा ये मैं 20-30 साल पुरानी मूवी की बात करूंगा, बट लेट मी सरप्राइज यू, ये मूवी है 1 साल पुरानी। अगर तुमने नहीं पता तो एक्टिंग के बादशाह आए हैं इसमें। हाँ, मैं अर्जुन कपूर की बात कर रहा हूँ। बट क्या पूरी गलती अर्जुन कपूर की ही है? नहीं है, बट है थोड़ी बहुत, वो मैं रिव्यू में बात करूंगा। तो हाँ, आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है द लेडी किलर के ऊपर। और मुझे पता था कि मेरी आदत वैसी होने वाली है जैसे कि अर्जुन कपूर की पोस्टर में हो रखी है द लेडी किलर के, बट मैंने तब भी घबरा के मूवी देखी और असर दिखा दिया मूवी। मेरे को आज बॉडी पेन हो रहा है, मतलब ठीक है, हालत ख़राब हो गई थोड़ी बहुत, शराब है इस मूवी के ऊपर। तुम देखोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के साथ जो कि बचपन में लेडी किलर था, क्योंकि सारी लड़कियाँ स्कूल मूवीज पर मरती थी। अब बड़ा होके वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है एक रेंडम मीटिंग में, जब वो उससे दारू की भीख मांग रही थी, लिटरली दारू की भीख मांग रही थी, और फिर उसकी भी दारू साथ में लेके चली जाती है। यही है, ऐसा प्यार पता नहीं कहाँ ही होता है, ऐसी पिक्चरों में होता है। और आज मुझे पहली बार इतने सालों के बाद मेरे को पता चल गया कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग को इतना लोग ट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मूवी बेकार देखता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने उनकी हाफ गर्लफ्रेंड देख रखी जो कि अच्छी मूवी थी, उसको मैं बहुत बेकार नहीं कहूँगा। बट यहाँ तुम्हें मैं टाइम स्टैम्प के साथ बताता हूँ, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पे टी सीरीज ने फ्री अपलोड कर रखी है, तो बता दूंगा। तो तुम जाने सीधे 34वें मिनट पे, फिर तुम देखोगे अजीब व गरीब नमूना एक्टिंग का, मतलब स्ट्रेट फेस के साथ डायलॉग बोले जा रहे बिल्कुल, और उसको जस्टिफाई कैसे करेगा कोई मुझे नहीं पता। और बीच मूवी में तुम्हें समझ आएगा कि सिर्फ इसको बी ग्रेड मूवीज की तरह बेचा जा रहा है, ज़्यादा सेक्स दिखा दो ताकि लोगों को समझ ना आए क्या स्टोरी चल रही है, ठीक है, और लोग इंटरेस्ट भी ना लें स्टोरी में। बट ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं एक इंसान पे एक लड़की के द्वारा, और फिर उसको ये गलत प्रूव कर देती है वो आखिर में, क्योंकि वो साइकोपैथ है। ऐसा है मूवी के कैरेक्टर के साथ। देखो अगर तुम देखने की सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, देख लेना, बाद में तबीयत खराब हो तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरी हो गई थी और मैं तुम्हें नहीं डालना चाहता उस चीज़ में। बट मूवी क्या बहुत ख़राब है, जितनी भी मैंने मूवीज आज तक देखी हैं इसकी IMDb रेटिंग मैंने चेक करी 1.5 स्टार, समझ सकते इतना बेकार वो दिया है। क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी, बादल भाई ने रिव्यू करा था, तो तब मूवी आधी अधूरी दिखा दी गई थी। तो टी सीरीज पे जो अपलोड हुई है उसमें भी अब्रप्ट कट्स हैं जिसमें पता ही चलता बीच का टाइम कहाँ गया, एकदम दोपहर हो रही होती है, एकदम से शाम हो जाती है, अंधेरे में घूमने लग जाता लौंडा, बीच में जो कनेक्शन बनना चाहिए था वो बना ही नहीं, एकदम से निकलते हैं हरियाली पहाड़ियों में से और निकल और पहुंच जाते हैं बर्फीली पहाड़ियों में, बीच में कपड़े भी चेंज हुए, कहाँ से थी वो तुम खुद कनेक्ट करो, ठीक है। तो मूवी सिर्फ अर्जुन कपूर की वजह से डूबी ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि बंदे ने करी है डिसेंट एक्टिंग, माननी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें जा रहा है लिटरली उस रोल में। 34th मिनट पर बेनायाब नगीना देख पाओगे तुम अर्जुन कपूर की एक्टिंग का, बट पूरी मूवी में वो ही नहीं चलता है, कहीं कैरेक्टर दे रहा है ठीक है भाई, अच्छी एक्टिंग है, अच्छी या डिसेंट दे सकते हो। तो मूवी की जो सबसे बड़ी खामी है ना वो ये है कि इसके अब्रप्ट कट्स और मूवी को जो चौकी फील दे देते हैं बीच बीच में, कट हो गया यहाँ से यहाँ जुड़ दिया और अपना देख लेना, और जो स्टोरी है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। मुझे पता है ये कहाँ जाने की सोच रहे थे, बट ये उस रास्ते पे नहीं निकल पाए, ये बनाना चाहते थे कुछ ऐसा कल्ट जो लोगों का दिमाग फाड़ देंगे। और भाई जैसे वेस्टर्न कल्चर में दिखाया जाता है कि दो प्रेमी बहुत टॉक्सिक होते हैं, एक साथ प्रेम हो जाता है और फिर तुम्हें पता है वो चीज़ें होती हैं, और फिर सेक्स होता है, उसके बाद यू नो बॉन्डिंग हो जाती है, फिर आखिर में वो मर जाते हैं और लोग याद रखते हैं उस मूवी को, ऐसी मूवी बनाने की सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ, सॉरी टू से। क्योंकि वो फील होती है ना जो एंडिंग तक, क्योंकि वो जो फील होती है ना एंडिंग तक आनी चाहिए थी, वो आई नहीं पता नहीं क्यों। बट मूवी 1.5 स्टार्स IMDb पे नहीं डिजर्व करती आउट ऑफ 10, क्योंकि इससे बुरी मूवीज देखी मैंने, ठीक है। अब देशद्रोही का पता नहीं उसके कितने हैं, उसके तो 0 भी होंगे तो भी डर नहीं लगेगा। बट अगर मेरे को पर्सनली रेटिंग देनी हो 10 में से तो इट्स ओके, 3 मैं 3 दे दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट 1 के लायक भी नहीं है, 1.5 और मिल जाए तो मूवी जैसे मैंने बताया एक साइको किलर लव स्टोरी है, जिसमें लास्ट में आते आते तक वो लड़की को होस्टेज बना देता है, ऐसा दिखाया जा रहा होता है, बट होस्टेज कोई और ही बनता है। और लेडी किलर कौन है अगर तुम्हें नहीं पता तो मूवी जाके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं अर्जुन कपूर नहीं। तो मूवी से रिलेटेड मैंने तुम्हें अपना अनपॉपुलर ओपिनियन दे दिया कि अर्जुन कपूर की पूरी गलती नहीं है, और ये 3-4 डिजर्व करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लो है, चीज़ें खराब हैं बिल्कुल मानूंगा, बट जो कुछ यूट्यूबर्स हैं बट वो सिर्फ ना बड़े रिव्यूअर्स को देख के अपना रिव्यू बनाते हैं, मेरा वैसा वाला सीन नहीं, पहले कभी करा हो तो पता नहीं, अब नहीं करता ये गुना, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट, तो मेरा ओपिनियन भी डिफर करेगा और मैं उनके ओपिनियन को भी गलत नहीं बता रहा, बट
वो सिर्फ एक एक्टर की कुछ चुनिंदा मूवी देख के उसकी हर मूवी को वैसे ही जज करते हैं कि यार ये तो टट्टी है, क्या टट्टी है या नहीं, वो तुम खुद मूवी देखो और जानो और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कैसी लगी तुम्हें। अगर बेकार लगी तो हाँ तुम लिख सकते हो ऑस्कर लेवल की चीज़ है भाई, मज़ा आ गया। तो हाँ मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओह एक पॉइंट बताना भूल गया, तो तुम्हें सोच रहे होगे 10,000 गुना कितना कमाया था और कितना लगाया था। बजट था मूवी का 45 करोड़, जो कि विकिपीडिया पे शो कर रहा है, और जैसे कि कमाया है इसने 45,500 भी मान लेते हैं, तो तुम्हें पता है कितना कमाया। ठीक है चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बोली दोस्त दुरुस्त रहना और आते रहना YouTube चैनल पे वापस से, ताकि अतरंग की चीज़ें देखने को मिले, कल करें भी बढ़िया बना दें। ठीक है, बाय बाय।